हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप बाकी वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि हम लोग एक कर्टिस का 1232 1234 1236 1239 1238 कंट्रोलर का फोल्ड कोड के डिस्कशन का एक सीरीज लेके चल रहे हैं। तो ये उसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। हम लोग लास्ट वीडियो में 25 नंबर फोल्ड तक का बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग 26 और 27 को स्किप करेंगे। वो आपके ज़्यादा काम का है नहीं, तो हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे उस उन दोनों फोल्ड कोड पे। आज हम लोग 28 नंबर से लेकर 34 नंबर तक का फोल्ड कोड के बारे में बात करेंगे। 26 और 27 नंबर का जो फोल्ड कोड है, यदि उस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो अलग से बताइएगा, उस पर कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला फोल्ड कोड है आज का 28 नंबर का। ये है मोटर ओवर टेम्परेचर हॉट कटवर्क, समझिए क्या। हमने पहले एक बताया था, एक और फोल्ड कोड 22 नंबर का फोल्ड कोड, शायद आप नहीं देखें तो आई बटन में पिछला वीडियो आ रहा होगा, उसमें 22 नंबर का फोल्ड कोड रहेगा। उसमें हमने बताया था कि कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, तब भी हमने बताया था कि ये मोटर के बारे में, कंट्रोलर के बारे में। आज का जो 28 नंबर का फोल्ड कोड है, ये कंट्रोलर का नहीं, मोटर का ओवर टेम्परेचर का है, ध्यान रखिएगा। इसमें मोटर ओवर टेम्परेचर होता तो ये कट ऑफ आता है, 28 नंबर का फोल्ड कोड आएगा। इसके कंडीशन में भी यही होगा, हो सकता है मोटर किसी कारण से खराब हो, या फिर ब्रेक जाम हो, या किसी का हिस्सा किसी कारण से आप लोग ज़्यादा उसको गाड़ी को लोड दे रहे हैं, तो उसको ऑब्वियसली बात यह है कि आपको उसको टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो ये सारे कंडीशन हो के तो हो सकता है कि उसका मोटर का इनवर्टर फेल हो गया। इनवर्टर फेल होने से क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा करंट कंट्रोलर बहुत ज़्यादा करंट आपको मोटर में पास करने लगेगा, उससे क्या मोटर को जरूरत से ज़्यादा करंट मिलेगा तो ऑटोमेटिक बात है कि हॉट होने लगेगा। तो भी होता है एक बार, कभी कभी टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट खराब रहता है तो भी ये मोटर ओवर टेम्परेचर होने का चांसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुछ कंडीशन में ये होता है कि आपने जरूरत से मतलब जितने देर चलाना चाहिए उससे ज़्यादा देर रेगुलर चला रहे हैं, किसी बंद एरिया में चला रहे हैं, उस समय क्या होता है कि आपको इसको ठंडा होने का मौका नहीं मिलता है कंट्रोलर मोटर को, तो आपको थोड़ा उसको रेस्ट देना चाहिए और फिर चलाना चाहिए। या फिर बाकी जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखिएगा, बंद कमरे में ना चलाए या बंद एरिया में ना चलाए। बंद एरिया में चलाए तो थोड़ा उसको 2-4 घंटे चलाने के बाद थोड़ा उसको ठंडा होने का टाइम दीजिए, इस टाइप का आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर हो सकता है मोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट लगे हो, तो मोटर के ऊपर जो वो कूलिंग फिन्स होते हैं, पता है ना, मोटर पूरा चिकना नहीं होता है, मोटर के ऊपर इतने छोटे 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 धारदार पट्टियाँ होती है, वो उसको कूल करने के लिए होता है। तो कूलिंग फिन्स में आपके कचरा जम गया होगा, तो उसके हिसाब उसके कारण भी ये ओवर टेम्परेचर होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगले फोल्ड कोड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह है 29 नंबर का फोल्ड कोड। 29 नंबर का फोल्ड कोड जो कहता है कि मोटर टेम्परेचर सेंसर फोल्ड। अब इसकी बातों से आप समझ रहे होंगे कि मोटर टेम्परेचर सेंसर फोल्ड क्या हो सकता है। मोटर में जो टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक सेंसर लगा होता है, वो टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया हो तो ये वाला फोल्ड कोड आएगा, या तो उस टेम्परेचर सेंसर का कनेक्शन कहीं वायरिंग टूट गया हो तो ये फोल्ड कोड आएगा। तो कंट्रोलर में आपको पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 के उसमें जाता है। पिन नंबर 7 इस कंट्रोलर का ग्राउंड पिन है, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, 12 वोल्ट के लिए, 5 वोल्ट के लिए, टेम्परेचर सेंसर के लिए, सब के लिए कॉमन रहेगा। तो पिन नंबर 7 से लेकर पिन नंबर 8 तक के बीच में टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, मतलब समझिए एक वायर टेम्परेचर सेंसर का पिन नंबर 7 में रहेगा, एक वायर टेम्परेचर सेंसर का पिन नंबर 8 में रहेगा। तो ये दोनों वायरिंग आपका कंटिन्यूटी चेक करिए, सही है तो फिर आगे आपको टेम्परेचर सेंसर चेंज करना पड़ेगा। या तो ये भी हो सकता है, एक जुगाड़ है हमारे पास, आप जीनर डायोड का मतलब समझते हैं क्या। ये देखिए, ये जो है ना, ये जीनर डायोड है। जीनर डायोड आप 7 वोल्ट का दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में 5 रुपये में मिल रहा हो, देना हो तो 2 रुपये में दे देगा, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं है, तो चलिए 10 रुपये मान के चलते हैं। 10 रुपये का जीनर डायोड 7 वोल्ट का, ध्यान रखिए वहाँ बोले 7 वोल्ट का हमको जीनर डायोड चाहिए, तो आपको 7 वोल्ट का जीनर डायोड देगा। तो टेम्परेचर सेंसर का कनेक्शन निकाल दीजिए और जीनर डायोड को लगा दीजिए। जीनर डायोड को ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस होता है, मतलब उल्टा आप नहीं लगा सकते, उल्टा लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। तो एक साइड से लगाए तो नहीं काम करेगा, तो दूसरे साइड से लगा दीजिए आपको काम करेगा। ठीक है, तो जीनर डायोड लगा दीजिए और फोल्ड कोड ये निकल जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जीनर डायोड टेम्परेचर को सेंस नहीं करेगा, टेम्परेचर सेंसर उसके लिए स्पेशल होता है। तो जीना डायोड से आपका ये फोल्ड निकल जाएगा, गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको बाद में टेम्परेचर सेंसर बाय करके उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो कभी बाद में मोटर ओवर टेम्परेचर हुआ और उस समय टेम्परेचर सेंसर ने सेंस नहीं किया तो मोटर जल जाएगा, कंट्रोलर जल जाएगा, आपका घाटा बहुत ज़्यादा होने वाला है। मालूम है कि ये सब मोटरें लाख लाख रुपये के आते हैं, लॉक हो जाएगा घाटा, 100-200-500 रुपये का चीज़ के लिए, 500-1000 रुपये से ज़्यादा का टेम्परेचर सेंसर नहीं मिलेगा। तो
वो ध्यान रखना है अर्जेंट में चालू करने के लिए, मतलब बहुत उस समय को ऑप्शन नहीं है चालू ही करना है, तो आप जीना डाल डाल दिए 7 फुट का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फोल्ड कोड की ओर। हम लोग बढ़ते 31 नंबर के फोल्ड कोड की ओर। 31 नंबर फोल्ड कोड होता है क्वाइल 1 ड्राइवर ओपन और शॉर्ट। क्वाइल 1 जो होता है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा बढ़िया समझिएगा। इसमें और भी कॉन्ट्रैक्टर लगा था, मेन कॉन्ट्रैक्टर हुआ, हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्टर हुआ, मे भी किसी कारण से लगा तो हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्टर हुआ या फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक हुआ, ये सभी ड्राइवर हैं, क्वाइल ड्राइवर हैं। तो आपको क्वाइल 1 ड्राइवर बोल रहा था, मतलब मेन कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा है। मेन कॉन्ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है वो ओपन या शॉर्ट है। ओपन का मतलब हो सकता है कि मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो कनेक्शन है कंट्रोलर से कॉन्ट्रैक्टर के बीच में वो कहीं कट गया हो या फिर सही से नहीं लगा हो या फिर वो शॉर्ट हो गया हो दोनों वायर। तो आपको ध्यान इसमें क्या करना है कि ये मेन कॉन्ट्रैक्टर में जो दो वायर होते हैं, दो वायर समझिएगा मैं बात कर रहा हूँ उससे कम्युनिकेशन वायर की, पतले पतले जो दो वायर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वो दोनों वायर में एक वायर आता है की स्विच से, की स्विच मतलब पिन नंबर 1, कंट्रोलर का पिन नंबर 1 जो रहता है वो की स्विच से आता है, पिन नंबर 1 से आपका कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा, और दूसरा जो है पिन नंबर 6 से कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। ध्यान रखिएगा पिन नंबर 6 से कंट्रोलर को, कंट्रोलर का पिन नंबर 6 से कॉन्ट्रैक्टर का एक वायर में माफ ये कंटिन्यूटी बराबर है तो ठीक है, नहीं तो आपको ठीक करिए, और दूसरा पिन नंबर 1 से, कंट्रोलर का पिन नंबर 1 से कॉन्ट्रैक्टर की कंटिन्यूटी, कॉन्ट्रैक्टर में दूसरा वायर जो गया उसका कंटिन्यूटी माफिए आपका प्रॉब्लम वहाँ पर मिल जाना चाहिए। नहीं या तो दोनों शॉर्ट हो गए या फिर दोनों में से एक वायर ओपन है, इस कंडीशन में ये वाला प्रॉब्लम आएगा 31 नंबर का। एक और कंडीशन हो सकता है, हो सकता है कि कंटिन्यूटी भी बराबर है शॉर्ट भी नहीं है, तो हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्टर का क्वाइल खराब हो गया होगा, तो आप उस केस में कॉन्ट्रैक्टर का क्वाइल रिप्लेस कॉन्ट्रैक्टर ही रिप्लेस कर लीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, छोटी सी बात है, आराम से इतने करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व, इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले फोल्ड कोड की। ये फोल्ड कोड है 32 नंबर का फोल्ड कोड। ये फोल्ड कोड बोलता है क्वाइल 2 ड्राइवर ओपन और शॉर्ट। क्वाइल 2 ड्राइवर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक के लिए, ध्यान रखिएगा फोर्कलिफ्टों में जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक नहीं लगा होता है, यह स्टेकर हो BOPT में ये सब में लगा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक वही कंडीशन बता रहा हूँ, या तो शॉर्ट हो गया हो उसको दोनों वायर, या फिर खुल गया हो, ओपन हो गया हो दोनों वायर, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक ही ओपन हो गया हो, उसका क्वाइल खराब हो गया हो, उस कंडीशन में आपको पिन नंबर 5 और पिन नंबर 1, ध्यान रखिए कंट्रोलर का पिन नंबर 1 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में एक वायर जाएगा और दूसरा कंट्रोलर का पिन नंबर 5 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में जाएगा। ये दोनों वायर का कंटिन्यूटी चेक कर लिए बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको सही कर लीजिए। दूसरा एक और चीज़ रहेगा, हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का क्वाइल ही खराब होगा तो उसका कंटिन्यूटी मारिए। क्वाइल चेक करने के लिए कोई भी क्वाइल चेक करना है कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर को रखिए और उसको चेक दोनों वायर में लगाइए, कॉइल के दोनों वायर में लगाइए, आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा, कुछ ना कुछ कंटिन्यू रेजिस्टेंस भी रहेगा उसके साथ, 50 ओम 70 ओम 90 ओम 150 ओम रेजिस्टेंस रहेगा, प्लस उसके साथ में आपको कंटिन्यूटी बजेगा, आपका जो बीप बजता है ना मल्टीमीटर का वो बजेगा, तो समझिए सही, नहीं बज रहा है तो ओपन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये चीज़ हो गया। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फोल्ड कोड की। अगला फोल्ड कोड है 33 नंबर का फोल्ड कोड। ये है कॉइल 3 ड्राइवर ओपन और शॉर्ट। कॉइल 3 का मतलब पंप का कॉन्ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है उसको बोलते हैं क्वाइल 3, पंप कॉन्ट्रैक्टर का। तो पंप कॉन्ट्रैक्टर किसी किसी कंट्रोलर में लगा है ऑपरेशन के लिए, तो उस कंडीशन में ये वाला क्वाइल 3 ड्राइवर आपको ओपन और शॉर्ट दिखाएगा, दिख खराब हुआ है तो। इसको चेक करने के लिए आपको सेम वही प्रोसीजर है, कॉन्ट्रैक्टर का क्वाइल कंटिन्यूटी मार के देख लीजिए बराबर है गया उसका, वो ओपन तो नहीं हो गया, या फिर जो कनेक्शन होता है फिर बता दो पिन नंबर 1, कंट्रोलर का पिन नंबर 1 से एक बार आप कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा, दूसरा कंट्रोलर का पिन नंबर 4 से इस कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। ध्यान रखिएगा पिन नंबर 1 एंड 4 जो जाता है वो आपको पंप कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी जाएगा, तो आपको इन दोनों वायरों का वायरिंग कनेक्शन चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी मार के, वो सही है तो ठीक है, शॉर्ट है तो आपको सॉल्व करना है, ओपन है तो आपको सॉल्व करना है, क्वाइल खराब है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर से मैं आपको समझा दूंगा कमेंट में लिख के, अभी कन्फ्यूजन रहेगा। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट फोल्ड कोड की ओर। ये फोल्ड कोड है 34 नंबर का फोल्ड कोड। इस फोल्ड कोड में आपको क्वाइल 4 ड्राइवर ओपन और शॉर्ट। क्वाइल 4 ड्राइवर जो होता है प्रोपोर्शनल ऑपरेशन के लिए होता है। प्रोपोर्शनल ऑपरेशन मान लीजिए कि हाइड्रोलिक का हो गया, आपको पंप का हो गया, हाइड्रोलिक का हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसके अलावा आपको हो सकता है स्टीयरिंग ऑपरेशन के लिए दिया है या फिर और भी किसी कारण से किसी ऑपरेशन में दिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्वाइल 4 ड्राइवर आपको काम करेगा।
इसमें भी वही चीज़ है, कॉइल फोर ड्राइवर जो है पिन नंबर वन से लेके पिन नंबर थ्री तक रहेगा। समझिए फिर से, एक वायर पिन नंबर वन से जाएगा कॉइल फोर ड्राइवर में और दूसरा वायर पिन नंबर थ्री से जाएगा कॉइल फोर ड्राइवर में, ठीक है। ये दोनों को चेक कर लिए कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी बराबर है तो ठीक है, नहीं तो आप ठीक करिए। दूसरा, ये हो सकता है शॉर्ट हो किसी कारण से वायर वायर चिपक गया तो वो निकाल दीजिए, नहीं तो इसका कॉइल फोर का जो कॉन्टैक्टर है या ड्राइवर जो भी लगाया उसके सामने उसका उस कॉइल को चेक कर लीजिए, कॉइल सही है तो फिर ओके, नहीं सही है तो पूरा उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कॉइल की बार बार मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारे आपको ड्राइवर हैं, प्रोपोर्शनल ड्राइवर हुआ, पंप ड्राइवर हुआ, मेन कॉन्टैक्टर ड्राइवर हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ड्राइवर हुआ, तो आपको पतले वाले वायर की मैं बात कर रहा हूँ। हर बार आप बता रहे हो इन ड्राइवरों में पतले वाले वायर की बात कर रहा हूँ, उसी को चेक करना है, समझ रहे हैं। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आपको शायद नहीं इसके बारे में जीरो नॉलेज है, इसलिए मैं शुरू से पूरा डिटेल में बताता हूँ। ऐसे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी पहले से होगी, कुछ मैं अपडेट कर रहा हूँ या फिर कुछ आप मुझे अपडेट करो तो मुझे भी समझ में आएगा कि फिर मैं कहीं मिस कर रहा हूँ क्या, कहीं कुछ ऐड करना है क्या, ये बताइएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर दिए, लाइक भी कर दिए, इससे हमको और भी इस तरह के वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। दोस्तों आज वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।